मैं चाहता है ना कि मानस राय ने फैसला करना सीटों का, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं और प्रदेश के मिसालों के साथ उबला हुआ अंडा मांग रहा है। सोशल मीडिया पर चौधरी शजात ये वीडियो इमरान खान के खिलाफ जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को भेजे जाने की तस्वीर और वीडियो वायरल है। इस तस्वीर में जो शख्स चौधरी शजात हुसैन के घुटने छू रहा है वो 2008 में चौधरी बरादरान को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार समझता था और काफली को कातली के नाम से पुकारता था। जरदारी का दूसरा रूप भी देख लें, अगर पैसे पर डील ना बने तो पांव भी पड़ जाते हैं। इस तरह के बाबे अक्सर ईद की सुबह फौत होने के बाद रिश्तेदारों की सारी ईदें भी खराब कर देते हैं। चौधरी शजात हुसैन खबरों में 10 बार मार खा भी शायद इसलिए जिंदा थे कि खूब लामतान समेटे और अच्छी तरह जीलो खवार होकर मरे। चौधरी शजात हुसैन वो पुरानी बंदूक साबित हुए जो लड़ाई के दौरान कभी नहीं चली मगर सफाई के दौरान अपना बंदा ही मार देती है। चौधरी शजात हुसैन की मिसाल इस बाबे की है जो 75 साल तक हजो उमरा और तहज्जुद की नमाज पढ़े मगर अपनी मौत की आखिरी रात शराब पी बैठे। चौधरी शजात हुसैन गुजरात के चौधरी जहूर अलाही के बेटे हैं जो एक आम निचले मतवसत तबका के आदमी थे। जहूर अलाही ने जुल्फकार अली भुट्टो की सख्त मुखालफत की। 1977 के इंतखाबात के वक़्त वो जेल में थे। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शाला में जहूर अलाही वफाकी वजीर बनाए गए। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो जनरल ज़िया ने जिस कलम से भुट्टो की फांसी के परवाना पर दस्तखत किए इसे यादगार के तौर पर हासिल कर लिया। इन्हें जनरल ज़िया के दौर में ही लाहौर में कत्ल किया गया।